नमस्कार, बुंदेली दर्पण के क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के पन्ना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन सहित उसके पूरे गैंग को पकड़ा है। लड़की शादी के कुछ दिन बाद ही दूल्हे का सब कुछ लेकर भाग गई थी। वहीं उसके दूसरे साथी कई जगह चोरियां करते थे। कुल 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस अंतर्राज्यीय गिरोह से एक अवैध कट्टा, कारतूस, 5 किलो चांदी, 107 ग्राम सोना, प्रिंटर, लैपटॉप भी जब्त किया गया है। यानी कुल मिला के 14,25,000 रुपए का माल पुलिस के हाथ लगा है। इस तरीके से गिरोह काम करता था, देखें खास रिपोर्ट। पन्ना की पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल में जब एसपी पन्ना ने गिरोह के मामलों का पर्दाफाश किया तो हर कोई बस सुनता ही रह गया। लुटेरी दुल्हनों का यह गिरोह केवल पन्ना में ही 21 बड़ी चोरियां कर चुका है। इन्होंने सतना, दमोह, छतरपुर, रीवा, कटनी और उत्तर प्रदेश के बांदा जिलों में भी चोरियां की हैं। पन्ना एसपी धर्मराज मीना ने बताया कि कुछ दिन पहले एक शख्स ने पन्ना कोतवाली में शिकायत की थी। उन्होंने आवेदन में बताया था कि टीकमगढ़ निवासी एक लड़की ने उनके साथ शादी की और 5 से 6 दिन उनके घर में रहने के बाद वो लड़की सारा सामान जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन की तलाश की और मुखबिर की मदद ली। उसके बाद मुखबिर ने आरोपी महिला की जानकारी दी और जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले अहम खुलासे सामने आए। लड़की ने बताया कि उनका एक पूरा गैंग है जो चोरियां करता है और इसके अलावा शादी करके भाग जाने का आइडिया भी उनके दिमाग में आया। उनके गैंग की ही दूसरी महिला ने उसका विवाह पन्ना के उस शख्स से करवाया था। प्लान के मुताबिक वह शादी के कुछ दिन बाद जेवरात लेकर भाग गई। वहीं एसपी ने बताया कि 2 महिलाएं और 4 पुरुषों की गिरफ्तारी अभी शेष है। इसके अलावा भी अभी कई अहम खुलासे होने की संभावना है। पन्ना पुलिस अब अपने इन्वेस्टिगेशन में ऐसे लोगों की भी तलाश कर रही है जो इन लोगों को आश्रय देते थे और इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते थे। हमने करीब 21 चोरी और नकबजनी की वारदातों का खुलासा किया, जिसमें एक ऐसा गिरोह भी शामिल है जो भोले वाले व्यक्तियों की शादी कराकर और दुल्हन को उनके घर पर भेजकर उनके घर के कीमती आभूषण और कीमती वस्तुएं चुराकर भाग जाते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 2 महिलाएं और 6 पुरुष गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही साथ कुल 14,25,000 का मशरू का हम लोगों ने इनसे बरामद करने में सफलता पाई है। साथ ही साथ अभी 2 महिलाएं और 4 पुरुष की गिरफ्तारी होना शेष है। सर, इनके सहयोगियों पर कोई कार्रवाई होगी? इस पूरे ऑपरेशन में कई सारी वारदातों का खुलासा हुआ है, ना केवल शादी का झांसा देकर और दूसरों के घर में बहू बनकर रहकर उनके कीमती जेवरात ले जाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, बल्कि इसी प्रकार से किराए के मकान लेकर आसपास के क्षेत्र में नकबजनी करने वाले और उनके कीमती वस्तुएं आभूषण चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम इस मामले में भी कार्रवाई कर रही है कि ऐसे व्यक्तियों को कौन प्रश्रय देता है, साथ ही साथ इनको कौन फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर इनका सहयोग करता है। तो निश्चित रूप से इन्वेस्टिगेशन में ऐसे व्यक्तियों का खुलासा होगा और ऐसे व्यक्तियों पर भी कार्रवाई होगी। सर, किन जिलों और कौन कौन से जिलों में इन्होंने ऐसे काम किए? अभी तक पन्ना जिले की कुल 21 वारदातों का खुलासा हुआ है, लेकिन इन्होंने पूछताछ में सागर, कटनी, सतना, छतरपुर, दमोह और उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिलों में अपनी वारदातें कबूल करना बताया है। सर, पकड़े गए आरोपियों में सारे लोग मध्य प्रदेश के हैं या अन्यत्र किसी और प्रदेश के हैं? पकड़े गए आरोपियों में कुछ व्यक्ति मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बांदा और आसपास के क्षेत्रों के। कब से रह रहे थे पन्ना में? ये काफ़ी दिनों से पन्ना में रह रहे थे। हमारे मुखबिर ने सूचना दी तो हम लोगों ने जो पूर्व में 20 तारीख को इस प्रकार का जो प्रकरण पंजीबद्ध किया उसकी तस्दीक इनसे की तो इन्होंने पूछताछ में वो वारदात कबूल करना बताया और ये भी बताया कि वो काफ़ी दिनों से यहाँ पन्ना में धाम मोहल्ले में रह रहे हैं। सर, कोई लुटेरी दुल्हनें भी गिरफ्तार हुई हैं? जी, निश्चित रूप से इसमें 2 इस प्रकार की महिलाएँ जो हमने गिरफ्तार की है, उसमें एक गैंग की मास्टरमाइंड है
और अन्य महिला उसका सहयोग करने वाली है। इसी क्रम में हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इस प्रकार के कई अन्य प्रकरण भी सामने आ सकते हैं।